आज के इस तबला लेसन सीरीज में हम बात करने वाले हैं रूपक ताल के बारे में। फिल्म सॉन्ग्स में मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स कहरवा ताल में, जो कि बहुत ही पॉपुलर ताल है, उसमें ही प्ले किए गए हैं, लेकिन रूपक ताल का भी एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है और रूपक ताल भी काफ़ी पॉपुलर ताल है। इसमें बहुत सारे गज़ल्स, भजन, फिल्म सॉन्ग्स, नॉन फिल्म सॉन्ग्स, बहुत सारे गाने इसमें प्ले किए गए हैं। तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको एकदम शुरुआत से इसके बारे में बताते हैं कि इसको कैसे हम, इसकी मात्राएं कितनी हैं और किस तरीके से हम तबले पे प्ले करेंगे वो आपको बताते हैं। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, जिनमें इनके बोल हैं 3, ती, ना, धी, ना, धी, ना। फिर से सुने, 3, तिन, ना, धिन, ना, धिन, ना। इसमें 3 विभाग हैं, जिसमें पहले विभाग में 3 मात्रा प्ले की जाती है, जिसमें तिन, तिन और ना। दूसरे विभाग में धी, ना। तीसरे विभाग में धी, ना। इसको कैसे हम तबले पे प्ले करेंगे, सबसे पहले आपको अस्थाई बताते हैं। तिन, तिन, ना, धिन, ना, धिन, ना। तिन, तिन, ना, धिन, ना, धिन, ना। आप देखें कि जो तिन है वो, उसकी जगह आपको हम पहले के वीडियोज में बता चुके हैं। तिन, तिन, ना, ना चाटी पे या किनार पे। तिन, तिन, ना, धिन, ना, धिन, ना। ये रूपक ताल की 7 मात्राएं हैं। अब इनको स्थाई, दुगुन, चौगुन में हम कंटिन्यूटी में किस तरीके से बजाएंगे, आप ध्यान दें। स्थाई, तिन, तिन, ना, धिन, ना, धिन, ना। तिन, तिन, ना, धिन, ना, धिन, दुगुन। तिन, तिन, ना, धिन, ना, धिन, ती, ती, ना, धिन, ना, धिन, ना। चौगुन, इस रूपक ताल के कुछ वेरिएशंस आपको बताते हैं, जिनको गानों में हम रूपक ताल के मेन ठेके या मेन जो रिदम है इसका, उसके अलावा भी हम इसके वेरिएशंस को प्ले करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। जैसे रूपक ताल के पूरे 7 मात्राओं में हम कुछ बोल को चेंज कर देते हैं या कुछ बोल को बढ़ा देते हैं, मात्राएँ हमारी सेम रहेंगी। जैसे तिन, तिन, ना, धी, ना, धिन, ना। सिर्फ ना को हम डबल बार कर दें तो बोल हमारी क्रिएट होती है, तीन, तीन, ना, ना, धिन, ना, ना, धिन, ना, ना। जैसे तीन, तीन, ना, ना, धिन, ना, ना, धिन, ना, ना, तीन, तीन, ना, धिन, ना, ना, धिन, ना, तीन, तीन, ना, ना, धिन, ना, ना, धिन, ना, ना, धिन, ना, ना, धिन। आप स्लोली देखें, तिन, तिन, ना, ना, ना को हम डबल बार कर दिए, दिन, ना, ना, दिन, ना, ना। ये पहला वेरिएशन है, तिन, तिन, ना, ना, दिन, ना, ना, दिन, तिन, तिन, ना, ना। का दूसरा वेरिएशन है, धी को भी हम डबल कर देते हैं, ना को भी और धी को भी। ये काफ़ी पॉपुलर है वेरिएशन, जिसको हम मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स गानों में प्ले करते हैं। जैसे ती, ती, ना, ना, धी, धी, ना, ना, धी, धी, ना, ना।
तीन तीन ना ना धीन धीन ना ना धी धीन, ये इस तरीके से इसको प्ले करेंगे हम। जैसे तीन तीन ना ना, नाना को थोड़ा जल्दी बजाते हैं, बट जो एक मात्रा में हम दो मात्रा प्ले करें। जैसे तीन तीन ना, ना की जगह हम दो बार ना को प्ले करें। तीन तीन ना ना धी धी ना ना धी धी ना ना, तीन तीन ना ना धी धी ना ना धी धी ना, तीन तीन ना ना, तीन तीन ना ना, तीन तीन ना ना धी धी ना ना धी धी ना ना। आप इसको फास्ट भी प्ले कर सकते हैं। ये इस तरीके से रूपक ताल का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद किस तरीके से इसको गानों में हम इस्तेमाल करते हैं इस ताल को, वो आपको बाद में बताएंगे। और कुछ गाने भी हम आपको इसके बाद की वीडियो में रूपक ताल पे बेस्ड कुछ गज़ल्स, कुछ भजन हम आपको गा के अपलोड करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में कि रूपक ताल को किस तरीके से हम वेरिएशंस के साथ हम प्ले कर सकते हैं किसी गाने में। धन्यवाद।